أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر المعين قال امام حسين عليه السلام ايتها العصابة بالعلم مشهورة وبالخير مذكورة وبالنصيحة معروفة انتم تتمنون على الله جنة ومجاورة رسله वलकद खशी तो निकमत मिन निकाम। अज दी वार तुसा इस मकाम के उत्ते आ वंजन ये दलालत करें दे कि तुसा मजलूम की हिमायत के विच हो। अगर तुसा हिस्ट्री का मुतालिया करो अज नहीं ये तो हुण दी गल है कि कुछ मजलूम हैं तो कुछ जालिम हैं। अगर तुसा 1400 साल पहले भी चले वंजो कि जदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना छुड़ेंदे पे हन उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अहले मदीना को भी खिताब किया था अहले मक्का को भी खिताब कर दिया क्या अगर उस वक्त के मुसलमान भी मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देवेन हा तो वाकया हिर्रा वाक ना हो गया। यानी जिस दौर के जिंदगी बसर करो हमेशा मजलूम का साथ दियो। इस वास्ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मिना दे मकाम दे उते खिताब फरमाया खवास को और सारी रैली भी खवास वास्ते यानी उन्हें लोगों वास्ते जेड़े कुछ कर सकते हैं। हमेशा दुनिया के सरपरदा लोग दुनिया के MPA MNA दुनिया के वो लोग जेड़े अमीर तरीन ममालिक जिंदगी बसर करें दें या अमीर तरीन ममालिक जेड़े इस वक्त इसराइल की हिमायत के बेच हैं जेड़े इस वक्त अमरीका की हिमायत के बेच हैं उन्हें कबूल किया हुआ हुकुम। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मीना के मकाम के उत्ते अहले खवास को इकट्ठा किया था यानी अगर फलस्तीन का मसला हल हो सकते तो इनको अहले खवास हल कर सकते हैं। यानी अगर पूरी दुनिया के लोग निकलें 1980 के विच इमाम खुमैनी ने पहला खिताब किया था बैतुल मकदस के वास्ते उस वक्त उस तो पहले कोई भी मुल्क कहीं मुल्क के विच रैली ना ही निकलती। जदा इमाम खुमैनी ने 1979 इनकलाब है 1980 दे विच इमाम खुमैनी ने ऐलान किया कि हर इस्लामी ममालिक दे विच हर इस्लामी मुल्क दे विच यौमुल कुदस की हिमायत रैली कढ़ी वजे तो इमाम खुमैनी के हुक्म दे नाल उस दौर 80 मुल्क रैलियां निकलती हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते पेन कि ऐ ओ लोग जेड़े तुसा को इज्जत हासिल है तुसा मुआशरे दे विच बहुत ज्यादा मशहूर हो और तुसा अल्लाह कने ये तमन्ना करें दो कि असा जन्नत च वैसूं। इमाम ने फरमाया जेड़े मदीना छोड़ दिता हाने मत मक्के दे लोगे को इमाम अलैहि सलाम ने खिताब फरमाया कि तुसा लोग मेरी हिमायत नहीं पे करेंदे इस दे बावजूद भी तुसा अल्लाह कने जन्नत की तमन्ना करेंदे पे हो मेकू तो यह खौफ है तुसा जहन्नम च वैसो। यानी अगर आज का मुसलमान भी चाहे 50 मुल्की इतिहाद बनावे या 500 मुल्की फोर्स का इतिहाद बनावे चाहे वह हजारे की तादाद एटम बम बना गए वत भी अगर मजलूम की हिमायत नहीं करेंदा तो वह नाकाम कामयाब नहीं थी सकता। इस वास्ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह गल की थी। इमाम खुमैनी फरमाते हैं 1980 के खिताब के इमाम खुमैनी फरमाए वो फरमाते हैं कि फलस्तीन उस वक्त आजाद हो से जब तुस हकीकत मुसलमान बन रहे हो। यानी साकू जरूरत है अगरचे छोटी रैली है लेकिन अपने आप को थोड़ा ना समझो ये जालिम दे और दुनिया दे यानी अजीब वो लोग जड़े फलस्तीन दे उते जुल्म करें दे पिन अगरचे तुहाडी छोटी रैली है लेकिन उन्हें दे मुंह दे उते बहुत बड़ा तमाचा है। अगर वो लोग मदीने वाले लोग इमाम हुसैन का साथ देंदे जिवे अज अगर ये सुपर ताकत फलस्तीन का साथ देवेन मैं कू जहां तक लगते अगर इन्हें लोग साथ ना दिता ये हुण फलस्तीन दी वारी है बारी बारी सारे ममालिक दी वारी है उसे। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री अपने आप को दोहरे दी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जरा साथ नहीं दिता गया इमाम हुसैन मदीना छोड़ दिते मक्के जा गए उतना भी साथ नहीं दिता गया अगू मुसलमान नाल क्या था है? यजीद जब करबला के वाक्य के बाद अपनी फौज भेजी है मुस्लिम इब्ने उतबा को भेजे अपना गवर्नर बना के उस मदीने दे विच जिस मजीद मदीने च इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदद वास्ते लोग सड़े रह गए हैं लेकिन जब यजीद की हकूमत आई है
क्योंकि मदीने ने मजलूम की हिमायत न की आई, इस वास्ते यजीद ने जरा मदीने उते हमला कराए, उन्हें समझा हुसैन की अगर असा मदद करे सो यजीद सारे उते जुल्म करे से, हालांकि उन्हें को पता रहा हिमायत न कर दे सदनल क्या होने, उन्हें जरा हिमायत नहीं की थी, तो यजीद ने फौज भेजी है मदीने के उते उन्हें हमला किए और मदीने की तकरीबन कई हजार कुआरी लड़की हमला हुई है जिन्हें ढेर सारे सहाबी कत्ल थे, जिन्हें ढेर सारे मजलूम लोग कत्ल थे, रसूल खुदा दी कब्र मुबारक तक खून पहुंच गए। क्यों? मेन वजह आखिरी गल करने लगा, मेन वजह यही क्योंकि उस दौर के मजलूम का साथ नहीं दिता गया। अगर आज भी इस सुपर ताकत तारीख एक पार्टी को हिस्ट्री दे अमरीका च कुत्ता मर पोए कॉन्फ्रेंस दी है, बिल्ली मर पोए कॉन्फ्रेंस दी है, मस्जिद बैतल मुकदस खवातीन को सरेआम मतदमा च मरे दिन घोड़े मरे दिन, अमरीका टस्क ने बस नहीं होता, इसराइल को परवाह कह नहीं, ये तारीख अपने आप को दोहरे से, अगर मुसलमान ने फलस्तीन का साथ न दिता तो दौर वो पलट के उसे जिल्लत मुसलमान का, जिल्लत मुसलमान का मुकद्दर बन रहे से। दुआ है कि अल्लाह ताला फलस्तीन को जल्द आजाद फरमावे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय साहब।